बात हो गई है डैड से। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? अरे कहना क्या था, ने कहा जो दिल में आता है करो। क्या वाकई? हाँ अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मैं ऑफिस कब ज्वाइन कर सकती हूँ? बस एक डेढ़ हफ्ते तक। पारस, तुम बहुत अच्छे हो। ये बात तो मैं, पता चली है। हाँ बाबा, पता चल गया। वैसे ये तो बताओ, मेरी सैलरी कितनी होगी? अरे सारा अकाउंट तुम्हारा है और तुम सैलरी का पूछ रही हो? कॉलेज आ रही हूँ मैं, खुदा हाफिज़। अच्छा, इतना फीका जवाब। सादिया की तरह पैसे नहीं कमाती तो आप जवाब भी सही से नहीं देंगे। वैसे आपके इतला के लिए अर्ज है कि मेरी जॉब लग गई है, एक हफ्ते में ज्वाइनिंग है। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने जॉब नहीं करनी। एक बार आप तनख्वाह तो पूछ ले। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी तनख्वाह। जब तुमसे जॉब ही नहीं करवानी तो क्यों पूछूं मैं तनख्वाह का? तो आप भी एक बात अच्छी तरह सुन ले, मैं ये जॉब करूंगी। अच्छा, मैं भी देखती हूं कैसे करती हो तुम ये जॉब। बात हुई तुम्हारी फारिस से? आपको कैसे पता? मैंने देख लिया था। आपने कुछ सुना नहीं? बहुत दूर थी, सुन नहीं सकती थी। अगर आप रिएक्शन तो देख सकती थी ना कि कैसे फायज मुझ पे गुस्सा हो रहा था। हाँ, वो मैंने देख लिया था। आंटी, आपका काम करने की वजह से मैंने अपना बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। I'm so sorry. मैं इसके लिए तुमसे बहुत माजरत खाऊं बेटा। अब वो मुझसे कभी भी पहले वाले अंदाज में बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं। खैरियत है आंटी, आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? और अरीबा नजर नहीं आ रही। वो यूनिवर्सिटी गई है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। उसके सामने मैं बात नहीं कर सकती थी तुमसे। क्या बात है आंटी, आपकी कॉल के बाद मैं बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ। देखो बेटा, तुम आज़ाद ख्याल घराने से ताल्लुक रखते हो, तुम लोगों के अपने तौर तरीके हैं, और मैं एक पुराने जमाने की औरत हूँ, अपनी औलाद के हवाले से डरती हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं आंटी? तुमने अरीबा को जॉब करने की इजाजत क्यों दी? क्या जॉब? तुमने इजाजत नहीं दी? नहीं नहीं, एक्चुअली आंटी मेरी बात हुई थी अरीबा से। तो तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? आप नहीं चाहती कि वो जॉब करे? नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। ठीक है आंटी, मैं उससे बात करता हूँ। बात क्या करनी है, मना करो उसे, कह दो कि तुम नहीं चाहते कि वो जॉब करे। तुम उसके होने वाले शौहर हो, तुम्हारी बात भला वो कैसे टालेगी? जी जी ठीक है आंटी, मैं बात करता हूँ उससे। बेटा, शादी हो जाए तो फिर तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी में जो मर्जी करना, लेकिन अभी नहीं। जी तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं रीबा से बात करता हूँ, वो जॉब नहीं करेगी। बस बेटा, ये काम आज ही करना है। रीबा, हाय। रोहान, तुम यहाँ? हाँ, वो मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। यहाँ नहीं, किसी सुकून वाली जगह जाके करें। आज आंटी ने मुझे घर पे बुलाया था। अम्मी ने? क्यों? वो मुझसे उन्होंने कोई बात करनी थी। क्या बात करनी थी? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जॉब करना चाहती हो। अच्छा, तो ये बात थी। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है?
हाँ रोहन, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्यों नहीं करूं? यार अगर तुम्हारी वालदा इससे राजी नहीं है तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। देखो रोहन, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, कोई ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या जरूरत है यार, तुम मुझे बोलो, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। रोहन बात जरूरत की नहीं है। फिर? मैं बस अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब तुम्हारी वालदा ऐसे नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहता, तो फिर क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? बस मुझे पसंद नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी बात पर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। बात जिद करने की नहीं है अरीबा। ये क्या बात? बस मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी जॉब करे यार। मैं नहीं चाहता कि वो जाए दूसरों के ऑफिस में, उनके ऑर्डर्स ले, बसों में धक्के खाए। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। रोहन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अगर तुमने जॉब ही करनी है तो मैं डैड से बात करता हूँ, वो तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब दे देंगे। नहीं, वहाँ कैसे जॉब कर सकती हूँ? अच्छा नहीं लगेगा ना, और फिर अम्मी भी नहीं मानेगी, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। यार अच्छा तो फिर तुम जॉब शादी के बाद कर लेना। आई एम श्योर के डैड और आंटी दोनों को इससे एतराज नहीं होगा। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, देखो एक बार सुन तो लो कि मुझे जॉब कहाँ मिली है। अच्छा तो कहाँ मिली है तुम्हें जॉब?